Hello everybody, today we will discuss about the problems asked in competition examination. इसमें हम रेंज की बात कर रहे हैं क्वेश्चन में और प्रॉब्लम है मोशन इन वन डायमेंशन यानी और मोशन इन टू डायमेंशन. कोई ऑब्जेक्ट आपने फेंकी है और सेकेंड ऑब्जेक्ट भेजी है तो इसका टाइम ग्राफ बताना है. और सेकेंडली जो पहले वाले में है वो क्वेश्चन में पूछा गया है कि भाई आपका मैक्सिमम वेट एरिया है, यानी कि अगर आप देखें एक तरीके से फाउंटेन है, फाउंटेन से पानी निकल रहा है इसे, तो कितना एरिया उसका कवर अप करेगा ये कैलकुलेट करके बताना है. दूसरे में सपोज एक ऑब्जेक्ट आपने फेंकी गई और सेकेंडली फिर उसके साथ एक और फेंकी गई तो उसमें आपको ये बताना है, उसका टाइम ग्राफ बताना है. इसके लिए आपको प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला आना चाहिए और अगर आपको याद नहीं है तो आप मेरी प्रीवियस क्लिप देखें जिसके अंदर मैंने प्रोजेक्टाइल के बारे में समझा रखा है. और मोशन इन वन डायमेंशन यानी कि जब जो टाइम ग्राफ है उसे किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं ये भी आप मेरी प्रीवियस क्लिप में देख सकते हैं. और प्रॉब्लम जो कॉम्पिटिशन पूछी गई है वो इस तरीके से है. क्वेश्चन में पूछा गया है अ वाटर फाउंटेन ऑन द ग्राउंड स्प्रिंकल और स्प्रिंकल वाटर ऑल अराउंड इट. इफ द वेलोसिटी ऑफ द वाटर कमिंग आउट ऑफ द फाउंटेन इज वी, द टोटल एरिया एंड अराउंड द फाउंटेन गेट वेट इज ए पाई बाई वी स्क्वायर जी स्क्वायर पाई वी स्क्वायर जी पाई स्क्वायर वी इज पर फोर जी स्क्वायर पाई वी इज पर फोर अपॉन टू जी स्क्वायर. नाउ द क्वेश्चन इज, क्वेश्चन मैं लिख करके दिखाता हूँ. अगर ये फाउंटेन है जैसे यहाँ से निकल रहा है तो ये सब जगह पानी फैलेगा, तो अगर v इस लॉस्ट ऊपर से उछलता और सब जगह गिरता है यानी ऐसा करके निकलेगा और वो सब जगह पानी गिरेगा, तो ये वेट एरिया आपको निकालना है टोटल. ये क्वेश्चन में पूछा गया है. क्वेश्चन में जब पूछा गया तो उसने बोला कि वेट एरिया इतना है इतना है इतना है इतना है, ये बताना है. तो पहले आप देखेंगे एरिया का फॉर्मूला, एरिया ऑफ इन स्क्वायर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर आर मैक्सिमम. ये जो मैक्सिमम है ये रेंज ही है. जैसे कि अगर आप देखेंगे जो पानी निकला वो इस तरीके से निकल गया ऐसे गिरेगा, तो इट्स लाइक अ प्रोजेक्टाइल. तो मैक्सिमम रेंज तक कितना जा रहा है, इधर से इधर तक जो भी जा रहा पानी उछल करके जा रहा, तो ऑल अराउंड रहेगा, पानी उछला और सब जगह मतलब 2D में गया तो ओवरऑल आपका इस तरीके से कवर अप हो जाएगा. तो ये आर मैक्सिमम की वैल्यू जो है वो आएगी आर मैक्स वी स्क्वायर साइन 90 जी स्क्वायर. साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो दैट विल बी वी स्क्वायर अपॉन जी. इसकी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे फ्रॉम फर्स्ट सेकंड इक्वेशन, एरिया इज इक्वल टू पाई वी स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर. वी की स्क्वायर का पावर स्क्वायर लग जाएगा, दैट विल वी इज पावर 4 जी स्क्वायर. सो आंसर इज पाई वी इज पावर 4 जी स्क्वायर. द इंग्लिश वर्जन ऑफ द सेम क्वेश्चन, a fountain, a water fountain it is given and when it's coming out it cover up the whole of the area that is wet and we have to calculate this whole total area. Basically suppose this is a mount, this is a fountain, when the water coming out it goes in a projectile manner in 2D. So the water is basically throw in a projectile from the fountain is like a projectile. It is in 3D and it covers the area of the wet area that will be in 2D. So if velocity of the coming of the water from the fountain is V, in that case we have to calculate the total area that wet by this fountain we have to calculate. So the question is calculate the area around the fountain which get wet. So the area formula is, as it is circular, so it is given by pi r square r max. R max is the basically the range of the projectile. Range of the projectile, you should know about the projectile formula. If you do not know, then you can see from my previous video where I have explained about the projectile range. The r max is equal to v square sine 90. 90 is because it is a maximum value of the range. So upon g square. So that will be v square upon g. From the first second equation we put the value, area will be equal to pi v square upon g square whole raised by 2.
दैट इज गिवन बाय पाई वी रेज़ पावर 4 जी स्क्वायर, दैट इज पाई वी रेज़ पावर 4 जी स्क्वायर. दिस इज द एरिया दैट वी हैव टू कैलकुलेट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ इट, अ बॉडी इज एट रेस्ट एट एक्स इक्वल टू 0 एंड टी इज इक्वल टू 0. इट स्टार्ट मूविंग इन अ पोजिशन ऑफ एक्स डायरेक्शन विद अ कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन. Same at the same instant, another body is passing through x, moving in the positive x direction with a constant speed. The position of the first body is given by x1t after a time t, and that of the second body is x2t after the same time interval. Which of the following graph? There are graph is given. There are four graphs is given. Just show them. Which of the following graph correctly describe x minus vt as a function of the time? The first graph is given this. This is the x minus x2, and this is a time graph. That means it goes and it first it parabolically increases and then it is decrease. The next graph is this one. It is increase, then decrease and become zero, and then it is projectile increasing. And continuous third is continuously increase parabolic, and the T is shown that it's continuous decrease and then it becomes zero and then it continuously increase with the time passing of time. इसमें दो क्वेश्चन हैं, दो बॉडी दे रखी हैं प्रॉब्लम में, और इसे मैं दिखाता हूँ बनाकर. देखिए कि इसमें यहाँ पे एक बॉडी रेस्टली और कंटिन्यूसली इंक्रीज एट एक्स टू जीरो, यहाँ पे कंटिन्यूसली एक्सेलरेट कर रही है. एक बॉडी दूसरी बॉडी कंटिन्यूसली एक एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से. तो जब ये ज़ीरो थी तब भी ये इंक्रीज कर रही थी, यानी ये तो एक्स टी फंक्शन है पहले वाले का और ये दूसरे वाले का. तो इसमें क्या है, आपको ये ध्यान रखना है कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है और ये एक्सेलरेट करके कंटिन्यूसली इसकी स्पीड बढ़ती जा रही है. ये इसमें बेसिक क्वेश्चन है. जब आप शुरू में देखेंगे x जब यहाँ से चला तो इसकी स्पीड कम थी मगर इसकी ज़्यादा थी, तो x माइनस 2 इज़ नेगेटिव शुरू में इनिशियली. और फिर दोनों अगर आप देखेंगे ये इसके बराबर, क्योंकि कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से अगर चल रहा है और ये जीरो से चल रहा है, तो अगर ये 10 से चल रहा है तो कंटिन्यूसली अगर 2 एक्सेलरेट से कर रहे हैं तो 5 सेकंड बाद ये बराबर हो जाएगी. तो इन दैट केस एक x माइनस एक्स टू ऑल्सो बिकम जीरो, एक बार जीरो बनेगा और फिर वो कंटिन्यूसली इंक्रीज करती, पैराबॉलिकली इंक्रीज करेगी. क्योंकि अगर आप एक्सेलरेट का देखें, एक्सेलरेशन का जो होता है डबल डिफ्रेंसिएशन होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम पीरियड, तो ये एक्सेलरेट कर रही है तो ये क्या करेगी, आपको पैराबॉलिकली इंक्रीज करेगी. तो अगर आप ग्राफ देखें, पहला वाला ग्राफ देखें तो ये पैराबॉलिक इंक्रीज करता है. तो भाई एक्स माइनस एक्स टू ये पहले नेगेटिव आता है, तो ये नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है वैल्यू, तो ये तो रॉन्ग होता है. नेक्स्ट ग्राफ देखेंगे, ये फिर से इंक्रीज कर रहा है, इसने पहले वाले में इंक्रीज कर रहा है तो ये भी गड़बड़ा रहा है. थर्ड वाला केस देखते हैं जहाँ पे कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है, भाई ये तो जीरो हो ही नहीं रहा, तो ये अलग भी कर पड़े. फिर यहाँ देखते हैं लास्ट वाले में, इसमें पहले तो वो नेगेटिव चलता है, नेगेटिव चलने के बाद ये जीरो होता है और फिर कंटिन्यूसली पैराबॉलिकली इंक्रीज करता है. तो करेक्ट आंसर जो है डी है. तो ये इसका आंसर है. द इंग्लिश वर्जन ऑफ द सेम क्वेश्चन इज, सपोज वी हैव अ टू बॉडी, देयर आर टू बॉडी इज गिवन. आई जस्ट ऑलरेडी रेड द क्वेश्चन, आई जस्ट रीड अगेन. अ बॉडी इज at rest at x equal to 0, there is a body at x is 0 and time is 0. They are start moving x direction, just like I drew here, that the first body is continuously it increase. It initially it start from x equal to 0 and this is moving with a constant velocity. So initially when this x2 is greater and x1 is lesser, is 0. So x minus 1 time become the negative then. As it is moving with a constant velocity and this is continuously increased, so suppose I take an example of x equal to 10 and x1 is increasing from 0, after time interval it become 10, that means it becomes 0 at a particular instant, and after then that x1 is continuously increased and become positively, since it is accelerated and acceleration formula double differentiation of x,
So that means the parabolic it is increase. So when we see the graph, let's see one by one graph. This is graph 1, it is positive, so this is cancel out. Earlier x minus x2, it should be negative 1. Same case with this one, x1 minus x2 is again positive, this is also cancel out. This is, and one time the x1 minus x2 is become 0. Here there is no point where x minus x2 and 0. And the last one is showing graph, it is first decrease, increase, that means its value is continuously decrease. And then it is becomes 0 and after then it's parabolic increase. So this is the correct answer of the question. आज के लिए बस इतना ही, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें और लाइक करें, जिससे कि उनका स्ट्रॉन्ग फिजिक्स बने। ये क्लिप्स मैं उन स्टूडेंट के लिए बनाता हूँ जिनका फिजिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं है, और वो कंटिन्यूसली क्लिप देखेंगे तो उनका स्ट्रॉन्ग फिजिक्स बनेगा और अच्छे मार्क्स प्राप्त करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।